तो जी हाँ, इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी का टीजर आ चुका है दोस्तों। और भाई साहब, ये टीजर एकदम ड्यून वाली वाइब्स दे रहा था कसम से। और जो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है उसने तो इस टीजर की शान और बढ़ा दी है। तो समझ रहे हो आदिपुरुष का पैसा प्रभास की कौन सी फिल्म में लगाया जा रहा है। जोक्स अपार्ट, भाई टीजर के ग्लिम्प्स बहुत ही बवाल लग रहे थे और ऊपर से 4K क्वालिटी में। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस मूवी का नाम चेंज कर दिया गया, जहाँ इस मूवी का नाम पहले प्रोजेक्ट ए होने वाला था, जिसे हमने टीजर के एंड में भी सुना था, उसे अब बदलकर कल्कि 2898 AD कर दिया गया है। तो जैसा कि इस मूवी का नाम है कल्कि, ये विष्णु भगवान के 10वें अवतार के ऊपर बेस्ड एक मूवी होने वाली है। अब जैसा कि इस मूवी का टाइटल है 2898, मतलब आज से यानी 2023 से 875 साल आगे की कहानी हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। अब ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है लोग डरे हुए हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, बेसिकली दुनिया खत्म होने की कगार पर है, दुनिया का एंड नजदीक है। फिर हम देख पाते हैं लोगों में बहुत ही कैओस फैला हुआ है और कुछ बुरे लोग बाकी मासूम लोगों को बंदी बना रहे हैं। अब जैसा कि हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, देखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि धरती पर जन्म लेंगे, जब कलयुग अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर होगा और इस दुनिया के अंत के बाद एक नए ब्रह्मांड की रचना करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। और ऐसा सा ही कुछ हमें इस टीजर में देखने को मिला है, कुछ मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के टच के साथ। आगे ही एक ग्लिम्प्स में हम देख पाते हैं कि ये बुरे लोग किसी को इस ट्रायंगुलर शेप मशीन के अंदर भेज रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर दिखाई जाती है, जो कि ना जाने क्यों मुझे ब्लैक विडो वाली वाइब्स दे रही है। और फिर यहाँ रिवील होता है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, जो कि भाई देखने में मुझे तो बहुत ही गदर लगा। जैसा कि इस सीन में दिखाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो ना जाने कितने सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था, जो कि अब जाग उठा है। ये आप इस बात से ही पता लगा सकते हो, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके बॉडी के आसपास ऐसे जाले से लगे होते हैं। होना हो ये मेरे अकॉर्डिंग 7 चिरंजीवी में से एक होगा, जो कि भगवान कल्कि की मदद करेगा बुराई का अंत करने के लिए। अब कई लोगों का कहना है कि ये अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, आपको क्या लगता है ये इन 7 चिरंजीवियों में से कौन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर यहाँ हमें प्रभास का लुक दिखाया जाता है, जहाँ आप उन्हें एक मेटल सूट में नोटिस कर सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और इस सूट में टेक्नोलॉजी भी ऐड होगी, जैसा कि इस सीन में हम प्रभास को अपने शूज से ब्रेक लगाते हुए देख सकते हैं। एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक रोबोट मंदिर के अंदर एंट्री कर रहा है, जहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित होती है। फिर उसके बाद हम प्रभास को होलोग्राम टच यूज करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर ये साइड में कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब मैंने इन्हें समझने की बहुत कोशिश की कि ये क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है तो मुझे कमेंट्स में बताना भूलना मत। फिर हम देख सकते हैं दो लीजन आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक साइड के लोग धर्म के साथ होंगे और दूसरी साइड के लोग अधर्म के साथ होंगे। फिर लास्ट में बस व्हाट इज प्रोजेक्ट के इस लाइन के साथ टीजर एंड हो जाता है। तो ओवरऑल टीजर बहुत ही अच्छा था। ये टीजर मूवी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। अब देखते हैं, जहाँ एक तरफ लोग प्रभास को उनकी आदिपुरुष की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों का दिल जीत पाते हैं प्रभास इस मूवी के थ्रू। आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और आप में से ज्यादातर लोग यार मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो नीचे जाके, अभी जो नीचे ग्रे कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के रेड कर दो, ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस जल्द से जल्द एंजॉय कर पाएं। तो हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।